जस्सी जैसा कोई नहीं है मनोज। मतलब क्या करें, इस लड़के का दिल खुश कर देता है। मतलब इसको तो कॉटन, इसको ना कॉटन वुल में बांध के रखना चाहिए। ये नेशनल ट्रेजर का दर्जा इनको देख के कॉटन वुल में बांध देना चाहिए। नहीं नहीं, एकदम बांध तो देना ही चाहिए। और जिस तरह के वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनके पास बटन है। रनअप में शुरुआत में वो बोलते हैं अपने आप को, अभी यॉर्कर वाला बटन टिपता हूँ, टप टिप दिया आके यॉर्कर, बाउंसर टप टिप दिया आके इफेक्टिव बाउंसर, लेंथ में टक टिप दिया लेंथ वाला बॉल। और लेंथ वाला बहुत खतरनाक बॉल वो डालते हैं, क्योंकि एंगल के साथ वो गिर के अंदर आती है और बहुत समझदारी से बॉल करते हैं। देखिए जैसे ही ऋषभ पंत आए, वैसे ही पहले ही बॉल उन्होंने राउंड द स्टंप्स जाके बॉल डाला, क्योंकि इसके पहले वाले जो मैच में उनको आउट किया था, राउंड द स्टंप्स में आके बॉल हल्की गिर के अंदर आई थी और सीम पे भी बॉल जा रही है। तो अगर एक कंप्लीट बॉलर किसी में अगर देखना चाहते हैं जो जरूरत के टाइम पे आके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो अभी जसप्रीत बुमराह है। तो मैं मोहम्मद शमी से वो बेस्ट बॉलर का टैग अभी करंट जो मैंने दिया था मोहम्मद शमी को, अभी वहां से निकाल के जसप्रीत बुमराह को देना चाहता। भाई अब तो मोहम्मद शमी को तो वापस भेज दिया है, पंजाब की टीम तो वापस चली गई है, तो अभी बुमराह ही है। और अब बेस्ट बॉलर टैग क्या, पर्पल कैप भी उनके सर के ऊपर है। और आज जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे आगे तो निकल ही गए इस सीजन में, पर किसी भी सीजन में 13 साल में किसी भी भारतीय गेंदबाज ने इससे ज्यादा विकेट नहीं लिए। पहले का रिकॉर्ड था 26 विकेट भुवनेश्वर कुमार का, आज ये 27 पे पहुंच गए हैं। और अभी एक मैच और बाकी है, वो है फाइनल। फाइनल में बुमराह किसको गुमराह करेंगे तो पता चलेगा, पर ये तो सही बात है। और आप मनोज, आप आज कह रहे हैं, ये हमारे जो बाबा वीरू हैं, इन्होंने 23 अक्टूबर को कहा था, 23 अक्टूबर को कहा था, जब सब कह रहे थे कि अरे रबाडा के सूटकेस में रख दो पर्पल कैप, अरे वो ही लेके जाएगा। इन्होंने कहा था रुको रुको रुको, थाम्बा थाम्बा थाम्बा। और उन्होंने कहा था कि जब तक फाइनल आएगा तब तक बुमराह बेस्ट बॉलर कहलाएगा। तो वीरू, मैं आपसे क्रिकेट की बात तो नहीं पूछूंगा, मैं बस कहूंगा कि 15 नवंबर को जो लॉटरी के नंबर आ रहे हैं, जरा मेरे को उनके जरा बता दो कोई। आप मत लेना क्योंकि आप जीतोगे नहीं। नहीं, लॉटरी ना बना लू ना। पर ये तो लग रहा है कि बुमराह अगर ऐसा हुआ तो भी आपका नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, मैं इसलिए ये सब चीजों में ना, आपके पास पैसों की कमी होती है। वाह वाह, क्या मारा क्या, सॉरी एक मिनट। हाँ भाई साहब, आयकर विभाग, नहीं मजाक कर रहे, वो ऐसी जोक है, सॉरी इनकम टैक्स वाले का फोन आया था। मजाक कर रहे हैं। बुमराह की बॉलिंग भी देख के, बुमराह की बॉलिंग भी देख के ऐसी लग रहा है मजाक कर रहा है यार, मतलब हो क्या रहा है ये। और देखिए जो टेम्परमेंट की बात करते हैं, हंसता स्माइल करता अक्षर के साथ जब क्रॉस कर रहा है तो वहां पे कोई जोक हो गया कुछ, एक इतना ठंडे स्वभाव का फास्ट बॉलर, दिल खुश हो जाता है। वीरू आप ही से बात कर रहा था मैं, आप लॉटरी में खो गए। मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ कि बुमराह की हर मैच में लॉटरी लग रही है, पर ये लॉटरी नहीं है, कैलकुलेशन है। नहीं देखिए, वो क्योंकि खुद पर इतना भरोसा है तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं और अपने काम करने में वो माहिर हैं। तो इसलिए वो दूसरे बल्लेबाजों के, दूसरी टीम के बल्लेबाजों से आराम से बात करते हैं, मजाक में बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पर ये तो अपने गुजराती भाई हैं, अपड़े आओ छे, गुजराती में बात कर रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगी। और कोई पूछेगा कह देगा मैं तो स्लेज कर रहा था गुजराती में, कौन बताएगा, एक्सप्लेनेशन कौन देगा। मेरे ख्याल से उनको मालूम है कि वो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्योंकि जो अच्छा बल्लेबाज होता है ना, वो भी नहीं देखता कि सामने गेंदबाज कौन है, वो गेंद को खेलता है। तो वैसे ही ये सामने देखते नहीं बल्लेबाज कौन है, इनको मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वहां उन्होंने गेंदबाजी करनी है, उसी पे करते हैं। शायद उसी का नतीजा है कि आज इन्होंने ये जो इंडियन बॉलर का रिकॉर्ड था एक सीजन में 26 विकेट लेने का, वो भी तोड़ा है। अभी तो शायद ये 30 तक भी पहुंच सकते हैं, 32 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 विकेट लेंगे तो 32, 2-3 तो ले मरेंगे चाहे कोई भी टीम हो आगे। सही बात है, इतना तो कर ही देते हैं वो। पर क्या है कि गुजराती में जो स्लेजिंग भी होती होगी ना, वो भी मीठी होती होगी, क्योंकि हर चीज ही गुजरात में इतनी मीठी है, हर चीज़।